इंडियन डॉग ब्रीड वर्सेस फॉरेन डॉग ब्रीड कंपैरिजन सीरीज में आज हम परिया और रॉटवाइलर को कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंडियन डॉग आपके लिए सूटेबल है या फिर रॉटवाइलर। आज हम इन दोनों डॉग ब्रीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करके बात करने वाले हैं और हमें उम्मीद है अगर आप डॉग लवर हैं या डॉग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रीड इन्फो। परिया एक गार्डियन, अलर्ट, सोशल और एमिकेबल होने के साथ मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन भारत से है। परिया की हाइट 22-25 इंचेस तक होती है और इसका वजन 25-30 केजी तक होता है। परिया एक इंडियन नेटिव डॉग ब्रीड है जिसे हम स्ट्रीट डॉग, देसी डॉग जैसे नामों से भी जानते हैं और ये इजीली हमारे आसपास भी दिखे जा सकते हैं। वहीं रॉटवाइलर एक लॉयल, लविंग, कॉन्फिडेंट और गार्डियन होने के साथ एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसका ओरिजिन जर्मनी से है। रॉटवाइलर की हाइट 24-27 इंचेस तक होती है और इसका वजन 40-60 केजी के बीच होता है और ये लार्ज साइज कैटेगरी डॉग होते हैं। रॉटवाइलर मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की लिस्ट में 7th नंबर पर आता है और भारत में इसे काफी लोग पालते हैं और आसानी से देखे जा सकते हैं। बिहेवियर। इंडियन परिया एक हाईली एडॉप्टेबल ब्रीड है और इसलिए अगर आप परिया को सही से ट्रेनिंग देते हैं तो ये बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और इनमें गार्डिंग पोटेंशियल एक्सीलेंट होता है, इसलिए आप इन्हें अपने घर पे एज अ गार्ड डॉग भी रख सकते हैं। साथ ही ये लाजवाब फैमिली डॉग होते हैं और आपके घर में सारे फैमिली मेंबर्स को बहुत जल्दी फैमिलियर बना लेते हैं। और अगर आपका घर छोटा है और आपके पास बच्चे हैं तो इनके साथ आप इन्हें आसानी से रख सकते हैं। ये एक नेटिव इंडियन डॉग ब्रीड है और सबसे ज्यादा स्ट्रीट पर लोगों द्वारा पाले जाते हैं। वही रॉटवाइलर एक गजब का गार्ड एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर डॉग ब्रीड है, इसलिए अगर आपके घर को प्रोटेक्ट करने में ये कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां वाइल्ड एनिमल के साथ आपका इंटरेक्शन होता रहता है तो रॉटवाइलर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। साथ ही ये एक लाजवाब एक्सरसाइज कंपेनियन भी होते हैं, तो अगर आपको रनिंग करना या इस टाइप का कोई भी एक्सरसाइज करना है तो रॉटवाइलर आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। वैसे इस डॉग ब्रीड को एग्रेसिव डॉग ब्रीड की कैटेगरी में रखा जाता है, मगर इनके साथ अगर आप अच्छा बिहेवियर रखते हैं तो ये आपके साथ बहुत अच्छे फैमिली डॉग ब्रीड भी हो सकते हैं। रॉटवाइलर स्ट्रेंजर्स के साथ अलर्ट और दूसरे डॉग्स के साथ डोमिनेटेड भी देखे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है मगर हमारे लिए ये एक मोटिवेशन है। मेंटेनेंस। परिया पुराने समय से गार्डिंग के काम में आते हैं। मोहन जदाड़ू में भी इनके अवशेष मिले हैं। गार्डिंग डॉग होने के साथ ये एक एनर्जेटिक डॉग ब्रीड भी है, इसीलिए इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है। साथ ही ये ड्रूलिंग भी बहुत कम करते हैं, लगभग ना के बराबर। आमतौर पर परिया का मेंटेनेंस कोई खास खर्च नहीं होता क्योंकि नेटिव डॉग ब्रीड होने के कारण इन्हें काफी सारी जगह पर स्ट्रीट पर भी पाला जाता है। लोग इन्हें घर से दो रोटी निकाल करके भी देते हैं तो ये अपना काम चला लेते हैं और इजीली अडॉप्ट हो जाते हैं। वहीं रॉटवाइलर एक इंटरमीडिएट एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, लेकिन इसको रेगुलर एक्सरसाइज करवाने की जरूरत होती है वरना ये एग्रेसिवली बिहेव करने लगते हैं और दूसरे डॉग्स के कंपैरिजन में रॉटवाइलर कम ड्रूल करते हैं। आमतौर पर रॉटवाइलर को पालने का 5,500 रुपए तक का खर्चा आ सकता है, बाकी ऑनर की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हेल्थ। परिया एक इंडियन डॉग ब्रीड है और बहुत अच्छे से इंडियन वेदर को समझते हैं। इनमें इनकी बॉडी भी साथ देती है और स्ट्रीट या बाहर रहना इनकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बना चुका है। ये बीमार बहुत कम होते हैं और आमतौर पर वेटनरी डॉक्टर के पास शायद पूरी जिंदगी में एक ही बार इन्हें जाना पड़ता है और मोटा होने के चांसेस इनके लगभग ना के बराबर होते हैं क्योंकि ये दिन भर दौड़ और चहलकदमी करते रहते हैं। अगर परिया को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले तो ये बहुत अच्छे डॉग ब्रीड साबित हो सकते हैं और इनका लाइफ स्पैन नॉर्मली 13 से 16 साल के बीच होता है। रॉटवाइलर एक हेल्दी डॉग ब्रीड है और ये बहुत कम बीमार होते हैं, मगर इनके साथ हिप डिस्प्लेसिया जैसी प्रॉब्लम देखने को काफी ज्यादा मिलती है। हालांकि रॉटवाइलर इंडियन वेदर को इस तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं कि इन्हें इंडियन वेदर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर फिर भी इन्हें कभी कभी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। अपेरेंस। रॉटवाइलर और परिया दोनों ही दिखने में बहुत अलग अलग लगते हैं। परिया एक हाउंड ब्रीड है और इनके बाल छोटे और नुकीले कान होते हैं और मुड़ी हुई पूंछ होती है। वहीं रॉटवाइलर एक एक्टिव ब्रीड है, ये दिखने में एस्थेटिक होते हैं और इनका मसल और इनका बॉडी कट बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं और सामने से दिखने में रॉटवाइलर की बॉडी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं होती। ये एक मस्टिफ डॉग ब्रीड है, इस कारण इनका फेस थोड़ा अंदर की ओर होता है। क्योंकि रॉटवाइलर AKC के हिसाब से मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की लिस्ट में आता है, इसीलिए रॉटवाइलर आजकल शो के लिए ब्रीड किए जाने लगे हैं। वहीं परिया को AKC जैसी संस्थाएं रिकॉग्नाइज नहीं करती, जिस कारण इन्हें शो के लिए ब्रीड नहीं किया जाता और आज भी ये नेचुरली स्ट्रांग बॉडी के साथ ब्रीड होते हैं।
तो ये था एक बेसिक कंपैरिजन बिटवीन इंडियन डॉग ब्रीड वर्सेस फॉरेन डॉग ब्रीड। हमारा मकसद किसी भी नस्ल के साथ डिस्क्रिमिनेट करना नहीं है, दोनों ही नस्ल खुद में बहुत बेहतर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।